क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरे सैलून के बारे में? मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो नया ब्रांड है जॉन क्लॉड ओलिविए, ये स्पेनिश ब्रांड है, तो जो वहाँ विदेश में बहुत बहुत मशहूर है, बहुत बढ़िया ब्रांड है, तो पहली बार यहाँ मुंबई में आ रहे हैं, पहली बार इंडिया में, और इनके साथ जो मेरा एसोसिएशन, इसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ, बिकॉज आजकल जहाँ तक मैं जानता हूँ मेल ग्रूमिंग भी बहुत अहम है. अगर देखा जाएगा तो लॉट्स ऑफ मेन नाउ गो टू सैलॉन्स जहाँ बियर्ड का, मतलब आजकल बियर्ड का ट्रेंड चल रहा है, तो मतलब बियर्ड संभालने के लिए ट्रिमिंग वगैरह कलर ये वो, तो मतलब इस तरह की सैलॉन्स जहाँ जहाँ मतलब होता है इट्स वेरी गुड, खासतौर पर मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए भी. और अगर कोई इंटरनेशनल ब्रांड आ जाए जिसमें एक्सपीरियंस बहुत है, जो चीज़ें हम लोग इस्तेमाल यहाँ इस्तेमाल करते हैं सब नॉन केमिकल, मतलब कलरिंग वगैरह उस तरह की चीज़ें नॉन केमिकल है, ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए आई थॉट इट विल बी अ गुड थिंग टू एसोसिएट विद. जब भी आप किसी ब्रांड से जुड़ते हैं, किसी ब्रांड से ब्रांड अम्बेसडर होते हैं, क्या कुछ देखते हैं प्रोडक्ट के बारे में, क्या मैं पहले ये पता करता हूँ कि ब्रांड कहाँ से आए. अगर समझ लो कि ब्रांड बाहर से आए और उसके ब्रांड के बारे में मैं थोड़ा सा जानकारी, मतलब थोड़ा जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं पढ़ लेता हूँ, क्योंकि हर चीज़ अभी इंटरनेट पर. उसके अलावा मैं प्रोडक्ट देखता हूँ कि क्या प्रोडक्ट है, किस तरह की प्रोडक्ट है. मैं काफ़ी पूछताछ करता हूँ मतलब क्लाइंट के साथ कि एग्जैक्टली क्या प्लान है आपका, फ्यूचर का क्या, ऐसे नहीं कि एक आप खोल रहे फिर छोड़ देते हो, मतलब आप कितना इन्वॉल्व रहने का. क्योंकि अगर मैं फेस हूँ, अगर मैं प्रमोट कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ अगर कोई भी आ जाए मेरी वजह से, तो कम से कम उनका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा, ये मैं चाहता हूँ. सर जैसे कि आप फिटनेस के भी काफ़ी ध्यान देते हो, काफ़ी लोग आपको फॉलो भी करते हैं जी, तो अपने फॉलोअर्स को क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, सैलून के बारे में? मैं देखो सैलून इसके लिए होता है ताकि आप वहाँ जाके आपका लुक को बराबर कर सकते. वैसे बहुत लोग मतलब सैलून पे जाने की ज़रूरत ही नहीं, कुछ लोग को जाना है जहाँ मतलब हाइजीन के लिए, मतलब स्टाइल के लिए और लुक के लिए. तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर चाहिए तो अगर आपको लगता है कि कोई भी सैलून, सिर्फ ये नहीं, अगर कोई भी सैलून पे जाना अगर आपको तो जाना चाहिए, शर्माओ मत. ये कोई मतलब लोग शर्माते हैं, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि सिर्फ लेडीज़ लोग जाती हैं सैलून पे. मैं मानता हूँ कि यार कोई भी जा सकते हैं आजकल, अगर आपको कुछ हाइजीन की चीज़ें चाहिए, स्टाइल की चीज़ें चाहिए, टिप्स चाहिए, हेयर कट चाहिए, बियर्ड चाहिए, मतलब बियर्ड ट्रिमिंग कलर वो फलाना, बहुत सारी चीज़ें हैं आजकल, लोग यहाँ भी आते हैं पेडिक्योर मैनिक्योर, मतलब वैसे मैं खुद करता हूँ अपना, मुझे लगता है कि बट बहुत लोग ऐसे हैं जो जाते हैं, थोड़ा कंफर्ट चाहिए, थोड़ा पैम्परिंग चाहिए. तो मैं फैंस को ये कहता हूँ कि यार जाइए, शर्माओ मत, एंजॉय करो, एक ही लाइफ है. अच्छा फिल्म लाइन की, फिल्म लाइन की बात करें तो क्या कुछ चल रहा है? और मेरी एक दूसरी पिक्चर अभी आने वाली है, प्रोड्यूस कर रहा हूँ एक बहुत बेहतरीन पिक्चर, फिल्म का टाइटल है हेलमेट, आप समझ लो, बगैर बहुत बढ़िया पिक्चर है. शूटिंग अभी मेरे ख्याल से दिसंबर में हम शूट करेंगे, तो 2020 अप्रैल या मई में हम ये पिक्चर रिलीज करेंगे, और बहुत बहुत कमाल की पिक्चर. सर वॉर देखी आपने? वॉर देखी नहीं, मैं आज आने वाला हूँ. सुना कि टॉप क्लास पिक्चर है, वैसे ऋतिक और टाइगर दोनों फैंटास्टिक एक्टर्स हैं, तो दोनों साथ में देखना. एक्चुअली मैं मैं तो काफ़ी बिजी था बीच में, आज आने वाला हूँ. अच्छा सर, दशहरा कुछ कहना चाहेंगे? सभी दर्शकों को यही कहना चाह रहा हूँ कि हैप्पी दशहरा, एंजॉय करो, अभी दिल्ली दिवाली भी आने वाली है, तो श्री दिवाली को भी शुभकामनाएं मेरी तरफ से. थैंक यू. थैंक यू.